हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 15 इंच, अक्रॉस बैक 14 इंच, चेस्ट 36 इंच, वेस्ट 28 इंच, स्लीव लेंथ 6 इंच, बॉटम 10 इंच। सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार है, फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग। फुल लेंथ हमारी 15 इंच है, आधा इंच सीम अलाउंस ऐड करेंगे, टर्निंग 1.5 इंच ऐड करेंगे, टोटल हो गया हमारा 15 हाफ प्लस 1.5 17 इंच। इस फॉर्मेट के हिसाब से ही हम कटिंग करते हैं। किसी भी गारमेंट की कटिंग करने के लिए यही फॉर्मेट यूज करेंगे। हमारी फुल लेंथ है 15 इंच। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, यहां से यहां तक हमारी फुल लेंथ है। फुल लेंथ हमारी 15 इंच है। उसके बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे, अक्रॉस बैक का हाफ करेंगे। अक्रॉस बैक हमारा 14 इंच है, हाफ किया तो 7 इंच। लेंथ लाइन से अंदर की तरफ आएंगे हम 7 इंच पर आकर के तीरे का निशान लगाएंगे हम। ये यहां से यहां तक हमने लिया अक्रॉस बैक का हाफ 7 इंच। आर्म होल निकालेंगे। आर्म होल निकालने का जो फॉर्मेट है, आर्म होल के लिए अक्रॉस बैक का हाफ प्लस आधा इंच इजिकल टू 7.5 यानी 7.5 इंच। आर्म होल निकल करके आया हमारा 7.5 इंच। यहां पर हमने 7.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाया। चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। चेस्ट के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 इंच। चेस्ट हमारी 36 इंच है, 36 को 4 से डिवाइड किया 9 इंच। 9 इंच में 1.5 इंच ऐड किया इज इक्वल टू 10.5 इंच। चेस्ट लाइन हमारी 10.5 इंच। ये जो हमारी लेंथ लाइन है, इस लेंथ लाइन से अंदर की तरफ हमने निशान लगाया 10.5 इंच पर। ये यहां से यहां तक हमारा चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 इंच इज इक्वल टू 10.5 यानी 10.5 इंच यहां से यहां तक। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 28 इंच है। कमर के लिए वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस डॉट ऐड करेंगे। इसमें हम डॉट हम लेना चाहे 1.5 इंच, 1 इंच, 2 इंच। प्रिंसेस कट ब्लाउज में हम ज्यादा डॉट डालेंगे चौड़ाई में, उतनी ही अच्छी हमारी चेस्ट पर फुलनेस आएगी। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच ऐड कर लेते हैं और 1.5 इंच ही हम इसमें दबाव लूजननेस के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल हम ऐड करेंगे 3 इंच। 28 को 4 से डिवाइड किया 7 इंच प्लस
कमर का निशान लगाया, चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन से इस प्रकार मिला देंगे, यहां से यहां तक हमारी वेस्ट का 4 + 3 इंच इज इक्वल टू 10 इंच। इसी प्रकार हम बैक भी बनाएंगे, ये हमारी फ्रंट है, यहां पे हम अपनी बैक शो करेंगे। बैक के लिए लेंथ लेंगे, लेंथ हम रखेंगे जितनी हमने फ्रंट में ली 15 इंच, तीरा लेंगे हम यहां पे 7 इंच, यहां से यहां तक अक्रॉस बैक का हाफ किया तो 7 इंच। ये हमारी फोल्ड साइड है बैक की, फोल्ड साइड। आर्महोल लेंगे, आर्महोल हमारा है यहां पे 7.5 इंच, चेस्ट निकल करके आएगी हमारी 10.5 इंच, 10.5 इंच हम इसको यहां पे इस प्रकार मिला देंगे। कमर निकल करके आएगी हमारी 10 इंच, यहां पे 10 इंच पर हम कमर को यहां मिलाएंगे, चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन से मिला देंगे। ये मिलाने के बाद ये हम यहां पर ये हमारी यहां से यहां तक वेस्ट डिवाइड बाय 4 + 3 इंच इज इक्वल टू 10 इंच। इसके बाद हम नेक की चौड़ाई निकालेंगे, नेक की चौड़ाई निकालने का जो फॉर्मेट है, चेस्ट डिवाइड बाय 4, नेक की विड्थ निकालेंगे, नेक की विड्थ निकालने का जो फॉर्मेट है, जितनी भी चेस्ट है उसको हमें डिवाइड करना है 12 से। चेस्ट है हमारी 36 इंच, 36 को 12 से डिवाइड किया तो 3 इंच, ये हमारी नेक की विड्थ निकल करके आई। चेस्ट डिवाइड बाय 12, 3 इंच, 3 इंच पे हम यहां पर विड्थ का निशान लगाएंगे, पौना इंच तीरा डाउन करेंगे, पौना इंच तीरा डाउन करने के बाद इसको इससे हम यहां मिलाएंगे। ये मिलाने के बाद ये जितनी भी हमारी लेंथ है आर्महोल की बचती है उसका सेंटर करेंगे, आधा इंच अंतर की तरफ आएंगे, चाहे तो आप स्केल की सहायता से या फ्री हैंड इसकी शेप करेंगे, आर्महोल की, आर्महोल की शेप हम इसी प्रकार करेंगे। ये हमने फ्रंट आर्महोल की शेप की। उसके बाद नेक की लेंथ निकालेंगे, नेक लेंथ निकालने का फॉर्मेट है चेस्ट डिवाइड बाय 6, 36 को 6 से डिवाइड करने पर 6 इंच लेंथ निकालेंगे, यहां पर लेंथ का निशान लगाएंगे, कोई भी शेप हम यहां पर देंगे। विड्थ निकली थी हमारी चेस्ट डिवाइड बाय 12 और लेंथ चेस्ट डिवाइड बाय 6, यहां पे पौना इंच या आधा इंच जितना भी डाउन आते हैं वो डाउन आते हैं, यहाँ पे आधा इंच, बैक में भी हम पौना इंच डाउन आएंगे, पौना इंच डाउन आके ये जो हमारी सेंटर है इसकी हम इस तरीके से गोलाई कर देंगे, पौना इंच डाउन आने के बाद यहां से उठाएंगे और इसकी गोलाई करेंगे बैक की। नेक विड्थ बैक के लिए जितना हमने फ्रंट में लिया, चेस्ट जितना भी हम फ्रंट में नेक की विड्थ लेते हैं उतनी ही हम बैक में भी विड्थ लेते हैं। फ्रंट में हमने चेस्ट डिवाइड बाय 12, 3 इंच पे निशान लगाया, बैक की लेंथ हम
हैं बैक नेक को, जितनी भी लेंथ लेना चाहे ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की शेप हम कर सकते हैं। इसको इसे मिला देंगे यहां पर। ये हमने यहां पर चेयर डिवाइड बाय फोर प्लस डेढ़ इंच लिया था, साढ़े दस इंच। फ्रंट पार्ट में जो मेन चीज है हमारी डॉट डालने की, वो है ये जो हमारा तीरा है, इससे तीरे से डाउन आएंगे निपल पॉइंट निकालने के लिए। निपल पॉइंट निकालने का जो फॉर्मेट है, चेस्ट डिवाइड बाय फोर प्लस वन इंच, थर्टी सिक्स को फोर से डिवाइड किया नौ, प्लस वन किया तो दस इंच, ये हमारी निपल पॉइंट निकलता है। यहां से हम लेफ्ट लाइन से साढ़े तीन अंदर की तरफ जाते हैं, डाउन आते हैं दस इंच पर। दस इंच पर हम यहां पर डाउन आए, यहां से दस इंच पर, यहां से साढ़े तीन, यहां से जो लेफ्ट लाइन है यहां से हम साढ़े तीन अंदर आएंगे, ऊपर से दस इंच नीचे आएंगे और ये हम यहां पर निपल पॉइंट का निशान लगाएंगे। ये लगाने के बाद यहां से हम साढ़े तीन पर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाया, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से एक इंच सवा इंच डेढ़ इंच हम नीचे आते हैं, ये हम निशान लगा देते हैं। ये जो हमारे डॉट की लेंथ है, ये हमारे डॉट लेंथ है। डॉट की विड्थ जितनी हमने ऐड कर रखी है उतनी ही लेंगे, दो इंच कर रखी है एक एक इंच की, डेढ़ इंच कर रखी है पौना पौना इंच की। तो यहां पे हमने ये डॉट का विड्थ का निशान लगाया और इसको डॉट को लेंथ लाइन से मिला दिया इस प्रकार। ये मिलाने के बाद यहां पे ये ध्यान रखना है, जितना भी हमने ऐड किया होता है उतनी ही हम इसमें डॉट लेते हैं। अगर हमने डेढ़ इंच किया है तो डेढ़ इंच करेंगे, यानी पौना पौना इंच, दो इंच किया तो एक एक इंच, और यहाँ पे आप इसको मिला देंगे। ये जो गोलाई है हमारी यहां से यहां तक, इसका हाफ करेंगे, हाफ करके और इसकी गोलाई हम यहाँ पे लाके मिला देंगे। ये हमने इसका हाफ किया आर्म होल का हाफ करके ये जो पॉइंट है हम इस पर लाके मिला देंगे। ये हमारी प्रिंसेस डॉट कहलाती है। यहां पर एक ही चीज का ध्यान देना है कि ये जो हमने डॉट डाली है, ये डॉट हमारी कटती है, ये यहां से नहीं कटता। ये जो डॉट है हमारी, ये वाली, यहां से ये मार्जिन कट जाता और इसको यहां से बिना मार्जिन के काटते हैं। ये वाला जो हमारा पीस है ये कट के निकल जाता है। इसके बाद हम बैक में डॉट डालेंगे। बैक में भी हम इसी प्रकार डॉट डालेंगे जैसे हमने फ्रंट में डॉट डाली है। लेंथ लाइन से अंदर की तरफ आएंगे हम साढ़े तीन इंच पर, साढ़े तीन इंच पर आकर हम ये निशान लगाएंगे। ये लगाने के बाद लेंथ जो निकल के आई हमारी फ्रंट लेंथ के अकॉर्डिंग ही हम लेंथ लेंगे डॉट की। ये हमने डॉट की लेंथ ली, विड्थ जितनी हमने ऐड की एक इंच डेढ़ इंच सवा इंच जितनी भी है हम उतना ही यहाँ पे डॉट की चौड़ाई लेंगे और इसको डॉट की लेंथ से इस प्रकार मिला देंगे। ये हमारी बैक डॉट बनी। यहाँ पे हमने जितना भी लेना है, पौना इंच लेना है, डेढ़ इंच लेना है, उतनी ही डॉट डालेंगे। इसके बाद हम स्लीव की ड्राफ्टिंग करेंगे। स्लीव लेंथ हमारी सिक्स इंच है, बॉटम टेन इंच है। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी स्लीव की सिक्स इंच है। यहां से यहां तक स्लीव लेंथ सिक्स इंच। स्लीव विड्थ निकालने का जो फॉर्मेट है, स्लीव विड्थ
स्लीव विड्थ निकालेंगे हम, चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस 1 इंच। चेस्ट हमारी 36 है, 36 को 4 पे डिवाइड किया 9 इंच, 9 इंच में माइनस 1 इंच किया तो 8 इंच। जो विड्थ निकल करके आई हमारी 8 इंच निकल करके आई, यहां पर हम स्लीव की विड्थ निशान लगाएंगे 8 इंच पर। यहां से यहां तक चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस 1 इंच इज इक्वल टू 8 इंच। जितनी हमने लेंथ ली है उतनी ही हम यह लेंथ नीचे ड्रॉ करेंगे ओपन साइड में, बॉटम में भी हम उतना ही लेंगे। ये लेने के बाद ये हमारी फोल्ड साइड है, ये ओपन साइड है। ओपन साइड की तरफ ऊपर से नीचे आएंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 12 प्लस 1 इंच। चेस्ट को 12 से डिवाइड किया 3 इंच, 3 इंच प्लस 1 इंच इज इक्वल टू 4 इंच। ऊपर कॉर्नर से नीचे आएंगे 4 इंच पर ये निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम बाजू की शेप करेंगे, यहां से उठाते हुए इस प्रकार मिला देंगे। यहां से ये हमारी बैक शेप हो गई। फ्रंट के लिए यहां से पौना इंच अंदर की तरफ आएंगे और इसको उठाते हुए यहां पे लाके मिला देंगे। ये मिलाने के बाद बॉटम है हमारी 10 इंच, बॉटम का हाफ करेंगे 5 इंच। यहां से 5 इंच अंदर की तरफ जाएंगे, निशान लगाएंगे और इसको इससे मिला देंगे। ये यहां से यहां तक हमारी बॉटम का हाफ इज इक्वल टू 5 इंच। ये यहां से यहां तक हम डाउन आए थे 4 इंच। ये हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बनकर कंप्लीट हुई।